प्रीत, मैं अब पूरी तरह से ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। माजी की काम कर रहे हो? माजी आप अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए हो, वो हड्डियों का दर्द कभी भी बढ़ सकता है। ऐ करके तो मुझे आपके साथ होना चाहिए। मैं फैसला ले चुकी हूँ मंत्री, तुम आज ही यहाँ से जा रही हो। वो क्या है कि कल दीप का जन्मदिन है, घर में बहुत सारे मेहमान आएंगे, इसलिए हमें ज्यादा कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। और तुम चिंता मत करो, मुझे अगर दोबारा दर्द हुआ तो तुम्हें फोन करके बताऊंगी। मैं मेरे पास मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते। पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ और फिर वो हड्डियों का दर्द तो कभी भी बढ़ सकता है ना, तो ऐ करके मेरा होना जरूरी है आपके साथ। माँ जी आप एक बार सोच लीजिए ऐसे। ऐसे करके माँ जी इतनी जल्दी फैसला, इसलिए माँ जी इतनी जल्दी फैसला ना कीजिए। मैं फैसला कर चुकी हूँ, तुम आज ही यहाँ से जा रही हो। वो दीप का जन्मदिन है, घर में बहुत सारे मेहमान आएंगे, इसलिए हमें ज्यादा कपड़ों की जरूरत है। और तुम चिंता मत करो, अगर मुझे फिर से दर्द हुआ तो मैं फोन करके तुम्हें बुलाऊंगी। माजी मैं कहीं और यही कहीं से। दरवाजा बंद कर दो। माँ जी है ना, उनकी इंजेक्शन, उनकी दवाइयां वो रखी हुई सी, तो वही ढूंढ रही थी तारा पैन जी। अभी अभी देखा मैं मनप्रीत आपकी कबर्ड में किस तरह ताका झांकी कर रहे हैं। जब से ये मनप्रीत और अभिमन्यु इस घर में आए थे, कुछ ना कुछ अजीब, कोई ना कोई अशुभ बात हो ही जाती है। मुझे इन दोनों पे डाउट हो रहा है। आई एम श्योर कि ये दोनों जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। ताल में कुछ ना कुछ कहा तो है। तारा को मनप्रीत पे शक हो गया है और काफ़ी सस्पिशियस हो गई है वो उसे लेकर, बिकॉज वो ऐसा कुछ देख लेती है जिससे वो मजबूर हो गई है उस पर शक करने के लिए। एंड मनप्रीत मम्मी जी की रूम की कबर्ड में कुछ तो ढूंढ रही है, कोई सुराग ढूंढ रही है। एंड अगेन तारा उसे पकड़ लेती है और दिस इज़ लाइक नाउ कैट इन अ माउस की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं मनप्रीत को पकड़ लूँ, उसका कोई एक राज है जो मैं सबके सामने ले आऊँ। और हर बार वो बच रही है, लेकिन देखते हैं वो कहाँ तक बचती है, बिकॉज़ आपने हमारे नए प्रोमोज भी देखे होंगे वे मनप्रीत इज़ लाइंग डेड नाउ, देर इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग दैट्स गोना हैपन। लेकिन एग्जैक्टली क्या होने वाला है और तारा कहाँ तक कामयाब हो पाएगी मनप्रीत का सच जाने में,
ये आपको हमारे टेलीकास्ट में पता चलेगा, अभी हमें भी नहीं पता क्या होने वाला है। द मनप्रीत एंड अभिमन्यु, और एक बार आपको भी उन पे नज़र रखनी चाहिए क्योंकि वो खुद ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही है, इसीलिए उसने अपना एक यू नो जासूस मम्मी जी के तौर पे पीछे छोड़ दिया है मनप्रीत के। अब देखते हैं मम्मी जी क्या करती हैं, मम्मी जी शायद मनप्रीत को घर से बाहर निकालें या फिर कुछ और करें, ये मम्मी जी पे डिपेंड करता है। हर रोज कुछ ना कुछ नया ड्रामा होते रहता है सीरियल में, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऑब्वियसली ड्रामा है तो ड्रामा तो होगा ही, इट्स अ टीवी ड्रामा एंड दिस इज़ अ थ्रिलर शो, तो यहाँ पे फैमिली ड्रामा से ज़्यादा थ्रिल होता है। यू नो हर रोज़ कोई मर रहा है, हर रोज़ हम लोग आपस में भी ऐसे नॉर्मली बात ही नहीं करते, हमें ऐसे अच्छा नहीं लगता, हम सीधा गन या छुरी से बात करते हैं एक दूसरे से। एंड रोमांस भी होता है, उसमें भी थ्रिल होता है बिकॉज यू नेवर नो कौन किसका खून करते हैं, कोई किसी का सगा नहीं है, चाहे सगे भाई बहन हो, चाहे माँ बेटा हो, चाहे यू नो पति पत्नी हो, नोबडी यू नो हैज़ एक्चुअल फीलिंग्स फॉर एनी वन, लाइक फीलिंग है लेकिन कब वो बदल जाए कुछ पता नहीं है। मैं व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगी कि आई होप वी आर एबल टू एंटरटेन यू प्रॉपरली एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर शो बिकॉज आपको हर दिन कुछ नया इंट्रीक मिलेगा एंड वी आर कमिंग अप विद मेनी 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 मोर न्यू सरप्राइजेज एंड सस्पेंस फॉर यू, और थ्रिल भी है। सो कीप वॉचिंग आई एम एम जे एंड लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।